Good morning, students. Now we have a new experimental activity, that is to show that oxygen is released during photosynthesis. Now we have a requirements for this activity, that our first requirement is a beaker. Second requirement is stemmed funnel. Third requirement is test tube, which are the essential requirements. And fourth requirement is hydrilla plant, that is an aquatic plant. And here we have a setup. इस setup में देखिए हमें करना क्या है. जिस तरह से hydrilla की twigs जो हैं, ये stemmed funnel की stem की तरफ हैं. हमें इसी तरह से इसे वहां प्लेस करना है एंड हमें फनल के नीचे एक सपोर्ट रखनी है ताकि जो भी वाटर है वो वाटर बकायदा ओवरफ्लो ना करे बल्कि फनल के अंदर भी जा सके. एंड वी आर सीइंग दैट कि यहाँ ऑक्सीजन बबल्स जो निकल रहे हैं वो स्टेम्ड फनल की स्टेम में से अपवर्ड्स निकल रहे हैं. Here we have a procedure with us. Now, हमें अब hydrilla plant को एक stemmed funnel में place करना है, as I have told you earlier, and उसे beaker में रख देना है जिस beaker में पानी है. Beaker में पानी आधे से ज़्यादा होना चाहिए जैसे हमने setup में रखा है. अब हम इसके ऊपर एक test tube invert कर देंगे. टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन के बबल्स कलेक्ट होंगे. नाउ प्लेस द होल अपरेटस इन द सनलाइट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours. नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम ये देखेंगे कि जो ट्विग्स के कट एंड्स थे, हाइड्रिला ट्विग्स के एंड्स थे, वहाँ से बबल्स बाहर की तरफ आ रहे हैं और वो कलेक्ट हो रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अपर एंड में. सो व्हाट वी कंक्लूडेड, द कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज जो कलेक्ट बबल्स होंगे टेस्ट ट्यूब में वो गैस ऑक्सीजन होगी. Presence of oxygen can be tested by introducing a burning matchstick. अगर हम उसके पास जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाएंगे, then the flame brightens. And if the flame brightens, which indicates the presence of oxygen gas. I hope तुम सारे बच्चों को ये activity properly समझ आई होगी. This is also an important activity from the NCERT book. Thank you.